नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 133 तक पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। यही वजह है केंद्र से लेकर राज्य सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। आज प्रदेश की कैबिनेट बैठक में निर्णय बड़ा लिया गया है। निर्णय जो है जो लिया गया है वो काफी बड़ा फैसला लिया गया है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस भारत में पहुंच गया है। 135 लोगों को कोरोना वायरस जो है चपेट में लिया है, यानी पीड़ित है। 4000 से अधिक लोग निगरानी में हैं। सतर्क रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भारत देश में कभी ऐसा वक्त नहीं देखा जब स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल बंद हो और यहाँ तक टूरिस्ट स्पॉट पर सन्नाटा पसरा है। काम धंधे ठप हो रहे हैं। यहाँ तक जो जहाँ है वो वहीं रहे। फिलहाल ऐसा भी कहा जा रहा है हर शहर में धारा 144 लगा हुआ है। घर में रहने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। और दुनिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है और ये कब तक रहेंगे ये हालात ये कोई नहीं जानता। बॉलीवुड भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यहाँ तक फिल्मों व टीवी सीरियल की शूटिंग सब बंद है। और गुजरात में भी 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को देखते हुए ऑफर किया है 10 लाख का फंड। यहां तक आगरा का ताजमहल सूना पड़ गया है। जबकि आगरा का ताजमहल देश की धड़कन है और वहां टूरिस्ट व घूमने फिरने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है और फोटो खिंचाने के लिए मोहब्बत की निशानी पर कोई नहीं है। सन्नाटा ही सन्नाटा है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा घर वो सब बंद ही चल रहा है और नोटिस का सब पालन कर रहे हैं। इस वायरस की वजह से जैसे अर्थव्यवस्था जैसे चरमरा गई है, ठप सी पड़ गई है। उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया है काफ़ी अलग है और सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल घर में रहने की ज़रूरत है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।